हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है फॉर यामाहा R15 V4 फैंस। सो आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये यामाहा R15 V4 की हमने सर्विस करवाई है, तो ये थर्ड सर्विस है। इसके सर्विस में क्या क्या हुआ है और कितना कॉस्ट हुआ है, जो भी है ये वीडियो में सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ, तो एंड तक देखना। और उससे पहले थोड़े सिनेमैटिक्स चेक कर लो। सो गाइस, हमारे पास है यामाहा R15 V4। सो ये मैट ब्लैक कलर है, ये ना लुकिंग में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अलग है। एंड मैं क्या ही बताऊँ आपको, इसके लुक्स में ना मैं तो फिदा हूँ इसके लुक्स पे। सो इसमें ना देखो, इसमें ना गोल्डन फोक्स मिलते हैं, सो इसमें तो और भी ज़बरदस्त दिखता है। और अभी ना फ़िलहाल ये जो है पूरा रेडी होके आई है, इसका थर्ड सर्विस अभी करवाया है मेरे फ्रेंड ने। सो उसमें ना सब कुछ कॉस्ट क्या क्या हुआ मैं बताता हूँ अभी आपको। सो फिलहाल ये देखो, वाटर वॉश होके सब कुछ पॉलिश वॉलिश होके आई है बाइक। दिखने में ना एक नंबर है भाई, मैं तो फिदा हो गया इस पर। सो आगे से ना बहुत ख़तरनाक लुक्स देने वाली है ये बाइक। और अभी इसका आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखो, ब्यूटीफुल। आप एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप R15 लोगे ना तो ऐसे ऑन रख के मत छोड़ देना। इसका ऑन रख के छोड़ने से बैटरी ना लो हो जाता है। पहले ही यामाहा R15 V4 के बैटरीज के कुछ इश्यूज हैं जो बहुत ही दिक्कत देते हैं आपको, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। और अभी इसमें जो कुछ भी हुआ मैं बताता हूँ। गाइस, ये बाइक चली हुई है 9000 किलोमीटर्स, तो इसका अभी थर्ड सर्विस था। थर्ड सर्विस में जो कुछ भी हुआ है मैं वो तो बोलूँगा ही। उससे पहले ना मेरे फ्रेंड को इस बाइक में ना एक इशू आई थी, बैटरी की इशू। इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था बैटरी के ऊपर, वो जाके चेकआउट कर लेना एंडिंग में ये वीडियो के। सो इसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है बैटरी का। मेरे दोस्त ने ना कंप्लेंट भी करवाया है शोरूम पर जाके, ऐसा बैटरीज का बहुत इशू होता है बोल के। सो उसका रीज़न कुछ पता नहीं चला। ऐसे तो होता रहता है R15 V4 में बैटरीज के इशू आते रहते हैं, लेकिन जो इसका इश्यू है वो पता नहीं चल पाया। तो मेरे फ्रेंड को ना ऐसा बहुत दिक्कत हो रहा था, अगर बाइक एक दो दिन घर पे खड़ी हुई है ऑफ है, फिर नेक्स्ट डे जल्दी स्टार्ट नहीं होगी, फिर धक्के देके स्टार्ट करना पड़ता है इसको। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ऐसे मेरे दोस्त के साथ 6-7 बार हो गया। मेरा दोस्त ना शोरूम गया और जाके कंप्लेंट की कि ऐसा बहुत हो रहा है, मैंने बहुत बार आपको बोला है, तो अभी ऐसा कंप्लेंट किया। सो वो बोल रहे हैं कि अभी हम देख लेंगे। सो इसके बाद में फिर ऐसा हुआ तो बैटरी के साथ हम आपको नई बैटरी डलवा के देंगे विथ फ्री। सो ऐसा कुछ हुआ है। और अभी मेन थिंग इज़ इसमें ना इसका ख़र्चा कितना आया। इसमें ना ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं, फ्रंट और रेयर में ब्रेक पैड्स चेंज हुए हैं। सो इसका ना विथ ऑयल चेंज, विथ ब्रेक पैड्स चेंज, विथ टेक्निकल चेंजेस, इसका कॉस्ट ना 4200 हुआ है। तो मेरा फ्रेंड बोल रहा था कि सर्विस का बहुत कॉस्ट है, मतलब हाँ ना भाई, इतनी महंगी बाइक भी है लेकिन 4200 इसको मेंटेन करना बहुत ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सर्विस कॉस्ट में बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। देखो 4200 हो गया, तो ये ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट देती है सर्विस में। मेरा दोस्त बोल रहा था ये बहुत खर्चे भी निकालती है, लेकिन कुछ भी है, अगर पसंद है तो कुछ सब कुछ करना पड़ता है इसके लिए। सो वो बात तो है। एंड लुक एट दिस बाइक मैन, लुक एट दिस कलर एंड इसके जो शार्प डायनामिक्स जो दिखते हैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त दिखते हैं। एंड ये मेरी भी फेवरेट है बाइक, और हम भी लेंगे एक दिन इसको इंशाल्लाह। और इस बाइक में ऑयलिंग सब कुछ हुआ है, एंड मेनली इसमें ना चेन लूप और टायर सब वॉश करके हर चीज़ का सब कुछ मिला के इसको 4200 इसका कॉस्ट हुआ है, थर्ड सर्विस कॉस्ट। गाइस, ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो जल्दी से लाइक करना यार, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मेरे चैनल पे आते रहेंगे, और आपको भी हेल्प होगा, और सब्सक्राइब करने से मेरे को भी हेल्प होगा। मेरे चैनल पे भी ना 1000 सब्सक्राइबर्स हिट करना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। सो आप सबके हेल्प से ये हो जाएगा जल्दी से इंशाल्लाह। सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। यामाहा R15 V4 फैंस को ज़रूर से ये वीडियो शेयर करना। सो इसका जो बैटरी का इशू था उसके बारे में एक मैंने वीडियो डाला था, वो जाके देख लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उससे पहले एक बार इसको इंजन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस बेबी।
मिनी बीस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Stay tuned, stay connected. Bye bye. Love you all.